बोल श्यापति राम चंद्र की जय। दोस्तों, स्वभाव की दवा संसार में नहीं है। स्वभाव क्या होता है? जो हमारी आदत होती है उसको हम स्वभाव कहते हैं। जैसे सुबह उठने की आदत या बात करने की आदत, तो उसके स्वभाव है कि वो बहुत ज्यादा बात करता है। उसका स्वभाव है कि वो ये काम को अक्सर करता है, चाहे गलत हो या सही हो, उससे मतलब नहीं है। तो उसको हम उसके स्वभाव से पहचानने लगते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप का है या उसका आचरण कैसा है, उसको हम स्वभाव कहते हैं। लेकिन दुनिया में स्वभाव की एक दवा है, वो है रामायण या तुलसीकृत श्री रामचरितमानस। यदि कोई व्यक्ति श्री रामचरितमानस कथा का लगातार क्रम में अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं 101% उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो ये तो हो गया कि स्वभाव को कैसे बदले या स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को हम बदल सकते हैं यदि प्रयास करें तो। अब इसका एक उदाहरण और बता देता हूं आपको मैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। यदि लगातार हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम में परिवर्तन आता है। यदि हम अच्छे चीजों को ग्रहण करने का आदत डालते हैं, हमारे में चाहे 1000 गुण हो या स्वभाव गलत हो या विचार गलत हो, कुछ भी गलत हो, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे प्रयास करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करना, जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो रंग लाएगा। क्यों? बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक बूंद यदि किसी गिलास में लगातार गिरता है तो वह 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में निश्चित रूप से गिलास भर जाएगा। ऐसा ही हम अपने जीवन के अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध और सत्य की ओर जैसे जैसे जाते जाते हैं, तो हम अपने ऊंचाइयों की ओर ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। स्वभाव और विचार दोनों परस्पर ही जो है, स्वभाव बदलने से उसके विचार बदलने लगते हैं। तो जैसे जैसे स्वभाव बदलेगा उसका विचार वैसे वैसे बदलता जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए आपको बताया कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा, और जब स्वभाव में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसके विचार में परिवर्तन होगा, और विचार में जब परिवर्तन होगा तो उसका जीवन एक न एक दिन सफल होगा और उस जीवन सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, सम्मानजनक होगा। आपके समाज में, परिवार में, घर में, देश में, दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। तो ऐसा हम काम क्यों ना करें जिससे कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए और हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, अगले वीडियो में मिलेंगे।